Realme C67। तो गाइज फाइनली इस फोन के अंदर एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है। तो फ्रेंड्स कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपके फ़ोन का डेटा डिलीट ना हो, ओनली फॉर आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Realme C67 5G। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वाईफाई जो कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही गाइज आपका वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो डोंट वरी, नीचे की तरफ आपको जो स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस में चले जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो Realme UI, यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू अपडेट पे। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो चेकिंग फॉर अपडेट्स लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो Realme UI 4.0 Android 13, और इसकी साइज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो 360 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। और फ्रेंड्स इस फ़ोन के अंदर क्या कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए हैं वो आपको जानना है, तो वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी 2024 का ये सॉफ्टवेयर अपडेट मेरे फ़ोन के अंदर फ़िलहाल शो हो रहा है। हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी आ चुका हो या तो बाद में आए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि ये वीडियो में जो ओल्ड है फिर से अपलोड करो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे फ़ोन के अंदर अभी शो हुआ, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर टैप कर लेते हैं। जैसे गाइस ये डाउनलोड हो जाता है तो हम इंस्टॉल करके बताएंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल करने से आपका डेटा वगैरह जो डिलीट नहीं होता है। और एक बात फ्रेंड्स कि जब भी आप अपना कोई भी स्मार्टफोन जो अपडेट करो तो यहाँ पे आपका चार्जिंग जो आपको 50% से ऊपर रखना है, क्योंकि जब इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हमारा फ़ोन होता है तब कभी कभार चार्जिंग की वजह से हमारा फ़ोन जो स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपके फ़ोन का चार्जिंग जो है यहाँ पर आपको 50% से ऊपर रखना है। और गाइज यहाँ पे जो डाउनलोडिंग हो रहा है वो आपकी वाईफाई की स्पीड कितनी आ रही है उसके ऊपर जो डिपेंड होता है, अदरवाइज़ बहुत फास्टली हो जाता है अगर अच्छी खासी आपको स्पीड देखने को मिल जाती है तो। और गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोन को स्टैंड पे लगा दिया है, जैसे वो डाउनलोडिंग प्रोसेस ख़त्म होती है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करके और एक प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाती है, जबकि ये भी 100% ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। हो सकता है इसमें आपको 2 या 3 मिनट जितना टाइम लगे, तो आपको शांति से वेट करना है। फिलहाल इस फ़ोन के अंदर जितनी भी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ़ोन को स्टैंड पे लगा दिया है, आप भी लगा सकते हो, सिर्फ देखे रहना है कि इसके अंदर क्या कुछ प्रोसेस होती है। और गाइस वहाँ पे वो प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाइंग करके और एक प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाती है, ये बहुत ही फास्टली होती है, जैसे कि ये भी 100% ना हो जाए तब तक आपको वेट ही करना है, अदरवाइज़ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके से ही स्मार्टफोन जो अपडेट किए जाते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वो प्रोसेस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अभी रिसेंटली इस फोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नाउ पे आपको टैप कर देना है। जैसे गाइस जब आप क्लिक करते हो तो वेरीफाइंग लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग आती है, और हमारा फ़ोन जो पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाता है कुछ सेकेंड्स के लिए, और यहाँ पर आपको वेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है, फिर यहाँ पे आपको अगेन Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन Realme की ब्रांडिंग जो आ चुकी है येलो कलर में, पहले वाइट कलर में थी अभी येलो कलर में आई है। अभी एग्जैक्टली देखते आगे क्या होता है। और गाइस फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी जो रिसेंटली हमने इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है। और फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे फ़ोन हैंग हो रहा है ऐसा आपको लगेगा, बट ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, फिर जो नॉर्मल तरीके से वर्क करता है वैसा हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लैग हो रहा है फ़ोन में आपको बताया ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। जैसे कि सेटिंग्स में जाते हुए तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस में चले जाना है। जैसे कि जब आप क्लिक करोगे तो Realme UI पे आपको टैप करना है, ये ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा गाइस, क्योंकि कभी कभार प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है। यहाँ पे वर्जन अप टू डेट लिखा हुआ रहना चाहिए अगर आपका फ़ोन सही तरीके से जो अपडेट हुआ है तो।
तो अभी गाइस क्या आपको ये वीडियो पसंद आई होगी? अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।